हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। डियर टीचर ओडिशा में आपको बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा हिंदी का पहला क्लास का पहला विषय शुरू होने जा रही है, तो मैं आपको पहले कुछ बात बता देना चाहती हूँ। मैं पहले हिंदी में रीडिंग करके पढ़ूंगी और उसके बाद मैं उड़िया में अनुवाद करके आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। अगर आपको कोई भी गलतफहमी हुई व डाउट हुई तो हमारी डियर टीचर ओडिशा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उस पर लिख के हमको बता सकते हैं, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। तो चलो दोस्तों, हमारी क्लास को अब देर न करके शुरू कर देना चाहिए। आज हमारा पहला विषय का नाम है अनमोल वाणी, जिसका रचयिता है कबीर दास। कवि परिचय आम प्रथम स्टार्टिंग करवा। कवि जेहेतु यही विषय लेखक होती कबीर दास, प्रथम आम कवि परिचय पढ़ा, तो चलो स्टार्ट करवा। कबीर दास का जन्म 1398 काशी में हुआ था। दास जन्म मसीहा हूँ 1398 से काशी जन्मग्रहण करते। कहा जाता है कि वो एक तालाब के किनारे मिले। कहा जाऊँ जे से एक पुष्करिणी कूल में मिले। एक चूल्हा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। जड़े तंती पर लालन पालन करते। वे कपड़े बुनने का काम करते थे, से लुगापटा बुणवार काम करते। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बहुत किसी पढ़ी लिखी पार नथिले, किंतु बहुत अनुभवी थे। जेहेतु से जड़े गरीब फैमिली लालन पालन होते, कपड़ा बुणवार काम करते, तेणु पाठ विषय से पढ़ी नथिले। बुद्धि विवेक से काम लेते थे, बुद्धि एवं विवेक सहित से काम नौते। बहुत बातें जानते थे कबीर दास, बहुत कथा जानते। से बहुत ज्ञान उपर पाठ पढ़ी न, किंतु बहुत नलेज था। वे सभी धर्म को बराबर मानते थे, से सबू धर्म को सामान बोली मानुते। वे ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप को मानते थे। से ईश्वर निर्गुण किसी गुण ना एवं निराकार रूप, ईश्वर आकार ना, मैंने जमी लॉर्ड जगन्नाथ से कमी काठर तैयारी कि भावुन। ईश्वर होते जो दैवी शक्ति, से किसी आकार नए बोली सेमती किसी भावुन। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। से ही समय धर्म एवं समाज में बहुत गड़बड़ी थी। तो दोस्तों, आपने मैंने जानी थे 2021 कबीर दास मसीहा 1398 को आपड़ निज मन भावी निजे आज 2021 देश में समाज में किपरी कूढ़ कूढ़ अलिया धर्म उपर जमी रही है। जपरिक आप देखि पार्थे हिंदू और मुसलमान भितर भी किपर कलिकजिया बाड़िया पिटा शत्रुता रही। तो 1398 मसीह के धर्म उपते समाज में बहुत गड़बड़ी रही थी, तो आपड़ निजे भाविपरतु। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी बाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। कबीर ने निज बाणी द्वारा ताकू दूर करने बहुत चेष्टा कर। लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था। लोक मान जाति प्रति उच्च नीच का भेदभाव था, बहुत भेदभाव था। विभिन्न धर्म को अनुयायी आपस में झगड़ते थे। विभिन्न धर्म उपर अनुयोगी मैंने निज निज भितर झगड़ा करुते, जपरी हिंदू मुसलमान पारसी क्रिश्चियन। यहीपर भाव बाह्य आडम्बर अंधविश्वास फेल गया था। बाहर आडम्बर एवं अंधविश्वास सबुआड़े खेली जाता। कबीर जाति भेद मूर्ति पूजा बाहरी आडम्बर आदि का विरोध करते थे। कबीर ने जाति भेद मूर्ति पूजा बाहर आडम्बर को विरोध करते। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। से कहते सब मनुष्य बराबर अटंती। वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड को अपेक्षा भक्तिभाव पर बल देते थे। से बाहर धार्मिक कर्मकांड अपेक्षा भक्तिभाव उपर बल दे। वे तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान के भक्ति करने को कहते थे। मूर्ति पूजा बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड के अपेक्षा भक्तिभाव पर बल देते थे। से बाहर धार्मिक कर्मकांड अपेक्षा भक्तिभाव उपर बल दे। वे तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़कर सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। से तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहर काम छाड़ी सच्चे दिल से सत्य हृदय सहित भगवान को भक्ति करने कहते। वे सदाचार सच्चाई भाईचार धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। से सर्वदा सदाचार सच्चाई भाईचार एवं धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करने के लिए से कहते। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा था, किंतु बहुत प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। किसके वाणियों को? कबीर दास के वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। कबीर दास बाणी को शिष्य मैंने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित करते। यहाँ हूँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आमर क्वेश्चन पढ़ी पार। कबीर दास शिष्य मैंने क्यों ग्रंथ में संग्रहित करते बाणीगुड़ी?
क्यों ग्रंथ रे? बीजक ग्रंथ रे। उनकी भाषा मिश्रित खंडी वाली जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी, उनकी भाषा मिश्रित किसका भाषा मिश्रित? कबीरदास का भाषा मिश्रित खड़ी वाली है जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। तांकर जो खड़ी वाली जो भाषा थिला सेत बड़ समय रे जन समाज भितर बहुत प्रचलित थिला। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। किसका गुरु? कबीरदास का गुरु कौन है? रामानंद है, रामानंद स्वामी। उनको बड़ा आदर करते थे। एटा भी पिला मैंने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमर क्वेश्चन भी पढ़ी पार। कबीरदास का गुरु किए थे? रामानंद स्वामी। दोहे पढ़ा, दोहेर अर्थ दुई पद किंतु ए बहुत गुड़े मर्मकथा रही। तेरे आस आम प्रथम दोहे पढ़ा। सांच बराबर तप नहीं, छूट बराबर पाप, जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप। सांचर अर्थ हूँ सत्य, बराबर हूँ समान, तपर अर्थ हूँ तपस्या। सत्य बराबर तप नहीं, सांच बराबर तप नहीं मतलब सत्य को समान हेला भाई ए दुनिया रे कौन सी तपस्या नहीं। झूठ बराबर पाप, झूठर अर्थ हूँ मिथ्या, बराबर अर्थ हूँ समान, एवं पापर अर्थ हूँ जो मैंने पाप मिथ्या कहवा द्वारा आमर जो पाप होता है। तेणु सत्य को सहित सामान हेला भाई कौन सी तपस्या नहीं, एवं मिथ्या सहित सामान हेला भाई कौन सी पाप ना। जाके हृदय सांचे, जाके हृदय मतलब जिसका हृदय रे जो मानक हृदय रे सत्य अच्छी, ताके हृदय आप से ही मानक हृदय रे आप मतलब भगवान, भगवान अवस्थान करती। तो आम आसीजा दुहे को समझे पढ़वा। सत्य हमेशा महान होता है, सत्य सर्वदा महान अटे। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। संसार रे सत्य सहित समान हेला भाई कौन सी तपस्या किंबा ज्ञान नहीं। उसी प्रकार छूट या मिथ्या को बराबर पाप या बुरा काम नहीं। उसी प्रकार से ही प्रकार छूट बा मिथ्या, मिथ्या को समान कला भाई कौन सी पाप बा कौन सी खराब काम ये दुनिया रे नहीं। तो आम ये बुझीपा जे आम के मिछ कथा कहानी। मिछ हूँ दुनिया में पाप ठार आहरी विराट बड़ पाप। कारण बुरा काम करने का पाप है। आम खराब कम कले सेटा को पापर गणती करा जाए। जिसके हृदय में सत्य का निवास निवास है अर्थात जो हमेशा सच बोलता है। जिसका मतलब जो मानक हृदय रे सत्यर निवास अच्छी, सत्यर अवस्थान अच्छी अर्थात जो हमेशा सच बोलता है। जी सर्वदा सत्य कही थाए उसका हृदय निर्मल होता है। जी सर्वदा सत्य कही थाए तो हृदय निर्मल होता है, परिष्कार होता है, पाप रही थे, पाप रही न थाए, पाप रही न थाए। जी सर्वदा सत्य कही थाए ता हृदय में पाप कौन पर रत्य हूँ तपस्या ठार सब बड़ बड़ काम होता है। तो ता हृदय में पाप किपर अवस्थान करप आदम भी रही। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। तार निर्मल हृदय तार से परिष्कार हृदय में भगवान विराजमान करते अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। जी सत्यवादी जी जीवन सारा सत्य कही थाए जहाँ हृदय में भगवान अवस्थान करती तो ताकि निश्चिंत भगवान दर्शन दिखती। तो से निश्चिंत जड़े महान लोक हो तेणु ये लिखाई जे वे महान होते हैं। से महान अटंती कारण ताको भगवान दर्शन मिलता है। से तत्वदर्शी होता से ज्ञानर अधिकारी होता। और समाज सत्यवादी का आदर करता है, समाज सत्यवादी आदर करता है, एवं पापी का अनादर करता है, पापी को अनादर करते। तेज आसतु पाने आम द्वितीय दोहे को पढ़वा। पाने चल आम द्वितीय दोहे टी पढ़वा। जो तोक कांटा बुबे ताही बोए तु फूल, तोक फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। जो तोको कांटा बुबे जी आपण मानी जी आपण मानी कंटा बुणी थाए ताही बोए तु फूल। आमर जी अमंगल चिंता करें फूल बिंचा से फूल तापाई दिन त्रिशूल हो ताले तार पाप एवं आमर पाप समान ही गला। तेणु कबीरदास को कहवा अर्थ हूँ जी आपणकर अनिष्ट चिंता करे तो आमे तार अनिष्ट चिंता करवा आवश्यक ना। तेणु कबीरदास दोहे अनुजाई जी आपण मान बाटे कंटा बुणब तापाई आम फूल बुणा आवश्यक। तोकु फूल को फूल है तापाई फूल फूल हो जाए एवं बाको ही त्रिशूल। जी आपण मानी अनिष्ट चिंता करें जी आपण आपटे कंटा बुणी थे तापाई से कंटा त्रिशूल हो जाए। तो चलो यह बुझा। यह सत्य है कि प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है।
ଏହା ସତ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ ତାକୁ ଭଲ କାମ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଖରାପ କାମ କରିଥାଏ ତାକୁ ସେ ଖରାପ କାମ କରିବା ଅନୁସାରେ ହିଁ ତାକୁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା ତ ପୁରା ସତ୍ୟ, ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି କାମ କରିଥାଏ ସେ ସେହିଭଳି କର୍ମ ହିଁ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ତ ଭଲ ଫଳ ପାଇବା, ଯିଏ ଖରାପ କାମ କରିବ ସେ ବି ଖରାପ ଫଳ ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଭିକ କର୍ମକେ ଅନୁସାର ଫଲ ଭୋଗତନା ପଡ଼ିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜେସେ କର୍ନି ୱେସି ଭର୍ନି, ଯିଏ ଯେମିତି କରିଥାଏ ସେ ସେମିତି ଭୋଗିଥାଏ। କବୀର କେ କେହି ନା କେ ଅର୍ଥ ହେ କି ଯୋ ତେରେ ରାସ୍ତେ ମେ କାଣ୍ଟା ବୋତା ହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋ ତେରି ବୁରାଇ କର୍ତ୍ତା ହେ ତୁ ମୁସ୍କେ ରାସ୍ତେ ପର ଫୁଲ ବିଛା ଦୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ମୁସ୍କି ଭଲାଇ କରୁ। କବୀରଙ୍କର କହିବାର ମତଲବ ହେଉଛି ଯେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ବୁଣିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ତୁମର ବୁରାଇ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ମାନେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ତୁ ମୁସ୍କେ ରାସ୍ତେ ପର ଫୁଲ ବିଛା ଦଉ। ଆମେମାନେ ବା ତୁମେମାନେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଫୁଲ ବିଛେଇ ଦିଅ। ତାଙ୍କ ନତିଜା ଏହି ହୋଗେ କି ତୁମାରି ଅଚ୍ଛା ସେ ଅଚ୍ଛା ଅଚ୍ଛା ଫଲ ମିଳେଗା ଆର ଉସ୍କା ବୁରାଇକୁ ଉସ୍କେ ବୁରା ଫଲ ମିଳେଗା। ତୁମେ ତୁମର ଅଚ୍ଛା ଫଳ ପାଇଁ, ତୁମର ଅଚ୍ଛା କାମ ପାଇଁ ମାନେ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ଏବଂ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ କରିଥିବ ତା ପାଇଁ ଖରାପ ଫଳ ମିଳିବ। ମତଲବ ହୁଏ କି ଅଚ୍ଛା କାମ କର ଆର ଅଚ୍ଛା ଫଲ ପାଉ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଭଲ କାମ କରିବା ଏବଂ ଭଲ ଫଳ ପାଇବା। ଆସ ପଡ଼ିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ଦୁହେଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ରେ ମନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବକୁଛ ହୁଏ। କବୀର ଦାସଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସବୁକିଛି କର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ସବୁକିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ପେସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସବୁକିଛି କାମ ତ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ହୋଇଯିବନି, ତେଣୁ ଆମର କିଛି ପେସେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି କାମଟା ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ କବୀର ଦାସ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାଲି ସିଞ୍ଚେ ସୋ ଗଡ଼ା ଋତୁ ଆଏ ଫଲ ହୁଏ, ମାଲି ଯଦି ଶହେ ଗଡ଼ା ପାଣି ସିଞ୍ଚି ଦେବ ତ କେବେ ବି ସେ ଗଛରେ ଫଳ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା'ର ସମୟ ଆସିଲେ ଋତୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଗଛରେ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର ତୃତୀୟ ଦୋହେକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଭଲ କି କବୀର ଦାସ କା କେହେନା ହେ କି କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋତା ହେ। କବୀର ଦାସଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଥାଏ, ଉସ୍କେ ଲିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କି ଆବଶ୍ୟକତା ହେ, ତା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନିହାତି ଭାବେ, କାରଣ ଯେକୌଣସି କାମ ଛୋଟ ହେଉ ବଡ଼ ହେଉ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଉସ୍କେ ଲିଏ ଉଦାହରଣ ଦେକର କବୀର କହତେ ହେ କି ମାଲିକ ସୋ ଗୋଡ଼ା ପାଣି ସିଞ୍ଚନେ ପର ବି କିସି ବି ପେଡ କେ ସମୟ କି ମାନେ କୋଇ ବି ଫଲ ଜଲ୍ଦି ସେ ଫଲ ନେହିଁ ଲଗ ଯାତେ ହିଁ। କବୀର ଦାସ ସେଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଳି ଯଦି ଶହେ ଗଡ଼ା ପାଣି ଗଛରେ ସିଞ୍ଚି ଦେବ ତ ଗଛରେ ଜମା ବି ଫଳ ହେବନି, କାରଣ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ସମୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଳବାନ। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ଯେକୌଣସି ମାଳିର ଶହେ ଗଡ଼ାରେ ଗଛରେ ଫଳ ଆସିନଥାଏ। ଗଛରେ ଫଳ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଋତୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅପେକ୍ଷା କରି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଋତୁର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବକ୍ତ କେ ଆନେ ସେ ହିଁ ପେଡ଼ ମେ ଫଲ ହୋଇଥାଏ, ବକ୍ତ ମତଲବ ସମୟ, ସମୟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଆମର ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କବୀର ଦାସଙ୍କର ଦୁହେ ଯେଉଁ ଅନମୋଲ ବାଣୀକୁ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ, ଏବଂ ଆର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଏହାର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀଦାସ ସୁରଦାସ ରହିମଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋହେ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ।